हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं निज़ामी कबाब। निज़ामी कबाब बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है, जिसको हमने मिक्सर में एक राउंड चला लिया है। तो देखिए वो इस तरीके का हो गया है। इतना ही बारीक आपको कीमा लेना है। तो बाकी हमने इसमें जो मसाले ऐड करने हैं वो आप देख लीजिए। हमने सूखे हुए मसालों में लिया है आधी चम्मच लाल मिर्ची ली है, एक चम्मच गरम मसाला लिया है, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है, एक चम्मच नमक लिया है और एक चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। बाकी हमने 10 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है, जो हमने बिल्कुल ड्राई पीसी हैं। इनमें पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। और हमने एक बड़ा प्याज पीस लिया है और इसका पानी हमने निकाल दिया है छन्नी में डाल के। बिल्कुल इसका हमने सिर्फ पल्प रखना है, पानी इसका निकाल देना है। और बाकी आधा बाउल हमने दही ब्लेंड कर लिया है। अब इसको हमें सबको कीमे के साथ ऐड कर देना है। तो आइए इसे हम मिलाते हैं। ये मसाला हमने इसमें डाल लिया है और इसको हम इसी के साथ, सारे मसाले आप एक साथ भी डाल सकते हैं और धीरे धीरे भी मिला सकते हैं। तो इसे हम मिलाना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने इसमें मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब इसे अच्छे से हमें मिलाना है। मसाले डाल चुके हैं हम और इसी के साथ हम धीरे धीरे अपना एक एक करके सारा मसाला इसमें डालते चले जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से हल्के हाथों से हम मिलाते चले जाएंगे। हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा पसंद करते हो उसके हिसाब से मिर्चें ऐड कर लीजिए। प्याज इसमें ऐड करना है। इसी के साथ दही इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए दही इसमें हमने मिक्स कर लिया है और इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। मैं यहाँ असली घी यूज़ कर रही हूँ। अगर असली घी नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल इसमें मिला सकते हैं। तो इससे जो है आपके कबाब बहुत अच्छे चिकने और बहुत स्मूथ बनेंगे। तो इसलिए इसमें आप इसको मिक्स करते टाइम थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करें। एक चम्मच ऑयल मैंने बड़ा चम्मच लिया है, डोंगे वाला, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए अब ये हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये गल भी इसी में जाएगा। इसको अलग से गलाने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन इस काम को आपको बहुत सब्र के साथ तसल्ली से करना है। इसे थोड़ी देर के लिए हमने रख देना है। ये देखिए हमने कीमे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे लगा दिया था, तो अब ये इस तरीके का हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब उसी तरह से बनाने हैं जैसे कि नॉर्मली हम बनाते हैं कटलेट के शेप में। क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो थोड़ा कम खूबसूरत बनेगा। अगर हम पके हुए कीमे के बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये जो कच्चा कीमा होता है ये थोड़ा सा खुदरा सा लगता है देखने में। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। ये देखिए हमने इसके कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमने एक नॉनस्टिक पैन लेना है, क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो इसलिए ये चिपक भी सकता है। तो इसलिए हम इसको नॉनस्टिक ट्राई करेंगे, उसमें फ्राई करना है। ये देखिए हमने नॉनस्टिक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लेना है, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें। तो आइए अब हम इसको शैलो फ्राई करते हैं। और आपको इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, क्योंकि कच्चा कीमा है, ये गलने में टाइम लेगा। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है लास्ट तक, वरना आपके कबाब जो हैं गलेंगे नहीं और सारा मज़ा बेकार हो जाएगा। तो आपको बहुत तसल्ली के साथ इन्हें फ्राई करना है और धीरे धीरे हल्की आग पे फ्राई करना है, ताकि ये गलते रहें। और इसका एक्चुअल टेस्ट जब ही आएगा जब आप इसके साथ हल्की आग का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमारे कबाब जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं। और देखिए हमने कितना बड़ा इसको बनाया था,
और ये सिकुड़ के कितना छोटा हो गया है। तो आपको बड़ा और पतला कबाब बनाना है, क्योंकि ये कच्चे कीमे का कबाब है तो ये सिकुड़ेगा जब ये फ्राई होगा और अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए अभी भी देखिए इसमें से पानी निकल रहा है। तो अभी इसको हमने और फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए कबाब कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और इसी तरह से आपको इन्हें फ्राई करना है। आप इनको दबा के चेक कर सकती हैं, इसमें से कोई पानी नहीं निकल रहा है, इनका सारा पानी सूख चुका है। देखिए इस तरीके से जब ये हो जाए तब आप इनको इससे अलग करें, वरना इसको हल्की आग पर पड़ा रहने दें और थोड़ी देर। लेकिन ये हमारे निज़ामी कबाब जो हैं सिक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें तेल से अलग करेंगे और सर्विंग के लिए तैयार हैं। अब ये देखिए, ये हमने कबाब जो है फ्राई करके ऑयल में से अलग कर लिए हैं। अब इसको इसी तरह से आपको इतने ही फ्राई करने हैं। आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि हमने इसको कितना ब्राउन किया है, इससे ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा वरना इसमें कड़वापन आ जाएगा। आपको इतना ही ब्राउन करना है। तो ये हमारे कबाब इस टाइम रेडी हैं। अगर आपको हमारे निज़ामी कबाब की वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।